हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला, इंट्यूटिव टैरो रीडर, मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है भाग्य का चक्र घूम रहा है, ठीक है? और वो आपकी तरफ क्या लेकर आ रहा है, ठीक है? जब कहते हैं ना कि चक्र किसी भी चीज़ का जब घूमता है ना, तो ऑब्वियसली जो चीज़ें मतलब रुकी हुई होती हैं, वो जैसे कहते हैं ना कि वो चलने लगती है, मूवमेंट आने लगता है उसमें, ठीक है? और जैसे कहते हैं ना कि पलटवार, ओके? जैसे जो चीज़ें अभी तक आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेज थे या कुछ चीज़ें रुकी हुई थी, तो वहाँ पर आप इसका अपोजिट लगा सकते हो, ठीक है? तो क्या आ रहा है, भाग्य का चक्र आपकी तरफ क्या लेकर आ रहा है? वो घूम रहा है आपका, ठीक है? बहुत चीज़ें आपकी इर्द गिर्द, आपको चेंजेस महसूस हो सकते हैं, आपके अंदर चेंजेस महसूस हो सकते हैं, ठीक है? और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो, ठीक है? जब भी आपके सामने चैनल आता है, तब भी आप समझ जाना कि यहाँ पर कुछ तो आपके, जैसे कहते हैं ना कि भाग्य का चक्र घूम रहा है आपका, ठीक है? तभी ये वीडियोस आपके सामने आई है। ओके, एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो, ठीक है? तो जो होता है उन्हें रख लेना, जो नहीं होता उन्हें जाने देना, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने दो कार्ड रखे हुए हैं, दो पायल रखी हुई हैं, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, बिल्कुल पीस से, शांति से, जिससे भी कनेक्ट कर पा रहे हो उसे करो, ठीक है? जबरदस्ती नहीं करना है। अगर आपसे एक पायल से मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहे हैं, तो आप दूसरी पायल देख सकते हो। मैं हर बार अपनी रीडिंग में बोलती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2, हमेशा की तरह पायल नंबर 1 है विक्ट्री, ओके? ये है पायल नंबर 1, कोई बहुत गौर से देख रहा है इसको। पायल नंबर 2 द वर्ल्ड, ओके? कोई यहाँ पर बहुत मासूम सी एनर्जी है, बहुत इनोसेंट, बहुत प्योर, द वर्ल्ड, ओके? कोई शायद इस रीडिंग को फर्स्ट टाइम भी देख रहा है। जो कोई है ना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ओके? मैं आपकी एनर्जी को बहुत जल्दी पिक करती हूँ, ठीक है? तो इसमें से आपको एक चूज करना है, एक सिलेक्ट करना है, नहीं कर पा रहे पूरी रीडिंग देखो, ठीक है? और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ओके? और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, हील करने के लिए, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ग्रेटिट्यूड पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए बोलती हूँ आपको भी ग्रेटिट्यूड, चाहे अकेले में करो, चाहे सबके सामने करो, कैसे भी करो, पर करना ज़रूरी है, क्योंकि वो कुदरत हमें ऐसे ऐसे सपने हमारे पूरे कर देता है, ऐसे ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि जो हमें बहुत ऐसा लगता था कि ये पॉसिबल नहीं है, और वो पॉसिबल हो जाता है, तो फिर वहाँ पर क्या करना है, जैसे नमस्तक हो जाना है, सर झुकाना है अपना, ठीक है? अपने आप को पोलाइटली रखना है, पीस में रखना है, शांति में रखना है, ठीक है? क्योंकि ये वक्त मुझे ऐसा लग रहा है ना, सभी जो भी बहुत, जैसे कहते हैं ना कि समय पलट रहा है यहाँ पर, ओके? तो मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ, पायल नंबर 1 की तरफ। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये विक्ट्री का कार्ड चूज किया है, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 1, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर किया करो। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। पायल नंबर 1 मतलब मैं आपकी ऊर्जा को इतना, जैसे कहते हैं ना कि एक आप शायद है ना, आपके अंदर है ना बहुत ठहराव आ चुका है। पायल नंबर 1 एक साधु संत वाली ऊर्जा में आप धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप आपने शायद हो चुका, आप अपनी कोई यहाँ पर जैसे स्पिरिचुअल जर्नी पर था, आध्यात्मिक यात्रा पर था, किसी की अवेकनिंग जैसे हुई है यहाँ पर, तो जैसे कहते हैं ना कि वो टाइम पीरियड, जितना आपने स्ट्रगल करना था, जितना आपको फेस करना था, जितना आपको पेन दुख तकलीफ लेनी थी, ओके? वो जैसे कहते हैं ना कि वो कंप्लीट हुआ है आपका यहाँ पर,
वो अब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आजाद हो यहाँ पर, जो मैं इस कार्ड से आपकी एनर्जी को मिक पिक कर रही हूँ, आजाद पंछी की तरह यहाँ पर आप उड़ोगे बहुत कुछ। जैसे जैसे कहते हैं ना कि आपकी सोल की, जैसे अभी तक जो टाइम पीरियड था ना पास्ट का, जैसे कुछ इनर वर्क अवेकनिंग जिसे कहते हैं ना, बहुत पेनफुल साइकिल होती है, लेकिन हाँ उसी बीच आप जो अपना करते हो ना, वो फ्यूचर के लिए मानो आप जैसे कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का, जैसे कुछ जैसे कहते हैं ना अच्छे कर्मों का जैसे एक पिटारा बंध चुका है आपका, यकीन मानो विश्वास करो यहाँ पर पायल नंबर वन, आप उस ऊर्जा में बैठे, एक शांति है, एक पीस है, एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत, हालांकि कार्ड विक्ट्री का बहुत कुछ अलग बताता है, लेकिन जो मैं इस कार्ड से आपकी एनर्जी को पिक कर रही हूँ यहाँ पर, मतलब बहुत जैसे एक ध्यान मग्न मुग्ध और बहुत जैसे रिलैक्स हो आप यहाँ पर, जैसे खो चुके हो आप, कहीं खो रहे हो आप यहाँ पर, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि सडनली आप कहीं, आपकी ऊर्जा कहीं जाती है, सडनली आप 3D में आ जाते हो, सडनली आप कहीं चले जाते हो, ठीक है। तो जैसे कुछ एक तालमेल सा आप बिठा रहे हो आप अपने अंदर, ओके। और क्योंकि आपको जैसे कुछ आपकी है ना, आपकी जैसे एक आपके अंदर का जो तूफान था ना, आपके अंदर का जैसे विचारों का तूफान, बहुत सारी चीज़ों के हमारे जैसे एक तूफान हमारे अंदर रहता है, तो वो कहते हैं ना कि शांत शांत, ओके। और वही विक्ट्री है आपकी यहाँ पर, भाग्य का चक्र घूम चुका है आपका पायल नंबर वन, और आप ऐसा ऐसा महसूस करोगे कि आपको है ना सब कुछ, जैसे सब कुछ एक इस कार्ड से मुझे पता है कैसा फील हो रहा है कि सब कुछ जैसे आपको धीरे धीरे चीज़ों का ज्ञान हो रहा है, समझ रहे हो आप यहाँ पर, और एक बहुत जैसे कहते हैं ना कि किसी को किसी के हाथों में चली गई है आपकी बागडोर यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर आपके लिए फील कर रही हूँ पायल नंबर वन, ओके। एक सब कुछ सरेंडर की ऊर्जा में यहाँ पर, और विक्ट्री आपको, भाग्य का चक्र यही है कि जब हम इस ऊर्जा में चले जाते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत कुछ चेंजेस हमारे अंदर हर चीज में, अब यहाँ पर आपकी विक्ट्री है, ये सक्सेस है आपकी, ठीक है। आप यहाँ पर जब कहते हैं ना कि अंदर का तूफान शांत हो जाता है, तो फिर हमारे क्या है ना, बाहर भी हमें शांति ही महसूस होती है, अंदर गड़बड़ है, अंदर घोटाला है, तो बाहर भी घोटाला है, बाहर भी गड़बड़ है अंदर शांति तो बाहर भी शांति। अब आप ऐसा महसूस करोगे कि आप बहुत शांति में हो आप यहाँ पर, ठीक है। हर तरफ से जैसे सुकून सा आप महसूस करने वाले हो पायल नंबर वन, बहुत चीज़ों को आप बहुत गहराई से समझ रहे हो, बहुत नज़दीकी से आप समझ रहे हो पायल नंबर वन, और विक्ट्री सक्सेस सफलता, मतलब आप है ना, आप ऐसा महसूस करोगे कि हर चीज़ आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत कुछ कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, जैसे खुद को जीतना, ठीक है। ये विक्ट्री मुझे यहाँ पर यही बता रही है कि खुद को जीतना, खुद के ऊपर काम करना, खुद को आगे की तरफ लेकर जाना, खुद को एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पर हम कर नहीं पाते, लेकिन हाँ हम उस ऊर्जा में आ जाते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका भाग्य का चक्र घूम चुका है, क्या लेकर आ रहा है आपकी तरफ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच अंडरस्टैंडिंग। यस पायल नंबर वन, मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि जैसे कि आज़ाद हो आप यहाँ पर, अभी जस्ट मैंने बोला ना आपको, भाग्य का चक्र यहाँ पर घूम चुका है आपका, जो भी अभी तक आपके अंदर जो भी एक तूफान था ना, सबसे पहले तो वो शांत हो चुका है आपका, एक जो भी आप अपनी चीज़ों को आप शायद जैसे कहते हैं ना कि हमारे दिल में जो चलता रहता है, हमारी जो हमारा दिमाग, हमारा दिल, जिस काम में हम मतलब करना चाहते हैं, कुछ सपने होते हैं जैसे हम उसे जैसे कहते हैं ना पूरा करना चाहते हैं, हकीकत में उसको सच होता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी हमारी सिचुएशन वो नहीं होती है, वो समय नहीं होता है, वो हालत नहीं होते हैं कि जहाँ पर हम वहीं फंसे हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जब कहते हैं ना कि परमात्मा हमें बार बार उस पिंजरे से, आपको उस पिंजरे से, उस वक्त से, उस स्थिति से निकालने के लिए हमेशा आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है, फरिश्ते, बर्ड, एंजल्स,
ठीक है, आपके जैसे कहते हैं ना कि समय को बदलने में उन्होंने आपकी बहुत हेल्प करी है। यहाँ से जैसे कहते हैं ना कि भाग्य का चक्र घूम रहा है, सीधे वर्डों में आपको यहाँ पर यही कहूँ कि जिस चीज़ में भी आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, जो काम आप सोच विचार कर रहे थे कर नहीं पा रहे थे, एक जैसे कहते हैं ना कि समय साथ नहीं देता है, किस्मत साथ नहीं देती है, लेकिन यहाँ पर अब आप हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से, पहली बात तो ये समझ रहे हो, हर चीज़ आपको बहुत एक कहते हैं ना कि एक गहराई से किसी भी काम को बहुत गहराई से आप करने वाले हो, समझ रहे हो, वो ज्ञान आ चुका है, वो इतना आपने अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि एक स्थिति ने आपको इतना ज्ञानी बना दिया है, इतना आपको समझदार बना दिया है कि अब आप बहुत कुछ आप अपने ही दमखम पर करने वाले हो। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप जैसे कहते हैं ना कि किसी भी काम को करने के लिए, है ना, किसी भी काम को करने के लिए एक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस तक कैसे किसी चीज़ को कैसे कंप्लीट किया जाता है, उसका ज्ञान होना, उसका पता होना कि हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते, इस परिस्थितियों से हम कैसे जूझ सकते हैं, तो इतना सब कुछ आपके अंदर आ चुका है, भाग्य का चक्र यही घूम रहा है कि अब आप जैसे कहते हैं ना कि आजाद पंछी की तरफ उड़ रहे हो, और जो भी मतलब एंजल्स यूनिवर्स आपको जो भी यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि अभी तक आपको शायद रास्ता ही नहीं पता था कहाँ से बाहर निकलूँ, क्या करना है? तो यहाँ पर बस वही है कि आपको सीधा सीधा रास्ता आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर सीधी सीधी जैसे कहते हैं ना कि हर चीज भाग्य का चक्र घूम रहा है, अब आप जैसे कहते हैं ना कि उड़ोगे भी और बहुत चीजें आपका रास्ता साफ है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब वेट नहीं करो, पहले आप शायद वेटिंग मोड में खड़े रहते थे, इंतजार करते रहते कि कोई मुझे बाहर निकाले, किस सिचुएशन से मुझे बाहर निकाले, लेकिन अब आप वेटिंग मोड में नहीं हो, जैसे कहते हैं ना कि आपको इतना आप गहराई से सोच विचार करने में आप जैसे कहते हैं ना कि आपको आ चुका है कि किसी काम को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर अब आप वो रास्ते आपको क्लियर नजर आ रहे हैं और उड़ रहे हो हवा की तरह, जैसे कहते हैं ना कि पंख फैलाए, वो सब चीजों को आप महसूस करोगे। ओके, इंटेंसिटी, यस, ऐसे कहते हैं ना एक रफ्तार आ रही है आपके अंदर, एक पॉजिटिव वाइब से आपके अंदर, और एक जैसे कहते हैं ना कि स्पीड है आपके अंदर, पहले शायद आप रुके हुए थे, चीज़ों को दूर से ही देखते थे, जो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि एक पहली बात तो मैं कि आपकी जो ये स्पिरिचुअल जर्नी का ही कार्ड है, आप पाइल नंबर वन, मुझे नहीं पता किससे रीडिंग रेजोनेट होगी, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो भी भगवान की भक्ति में रहते, पूजा पाठ करते हैं, हालांकि मेरे चैनल्स पे सब वही सोल्स हैं, मैं इतना इतना मतलब मैं कह सकती हूँ, जो मैं एनर्जी को मैं पिक करती हूँ यहाँ पर, कि अभी तक आप शायद आपकी जो सोल है ना, सोल की आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी अभी तक, इसीलिए बहुत चीज़ों को जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब कहते हैं ना कि जब सोल की अवेकनिंग हो जाती है, उसे कहते हैं जगाया जाता है, झिझोड़ा जाता है कि उठना है, तब जैसे कहते हैं ना कि हम जैसे हमारा बॉडी है, माइंड बॉडी और सोल, उसके साथ जब सोल भी कनेक्ट हो जाती है, तो सोचो क्या मंजर होता है वो यहाँ पर। ओके, तो बस ये वही है कि जैसे आप तो चल रहे हो, बॉडी आपकी काम कर रही है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कर कौन रहा है, अभी तक शायद उस चीज को समझ नहीं पा रहे थे, सब चीजें आपकी सोल है यहाँ पर, आपकी जैसे कहते हैं ना कि आत्मिक आत्मा से आप अपनी सोल से कनेक्ट हो यहाँ पर, और वही स्पीड की तरह आपको बहुत गहराई तक एक जैसे हर चीज को जैसे कहते हैं ना कि रास्ते पे रास्ते खोलना, और बहुत जैसे कहते हैं ना रफ्तार से आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना, भाग्य का चक्र यहाँ पर घूम रहा है आपका, और वो क्या लेकर आ रहा है, वो रफ्तार लेकर आ रहा है, स्पीड लेकर आ रहा है, वो खुद आपके अंदर यहाँ पर लेकर आ रहा है, आपका माइंड बॉडी सोल, इस सब चीजों में आप देखोगे कि बहुत जैसे कहते हैं ना कि एक तीव्रता आपके अंदर आ रही है, एक जोश आ रहा है, एक जुनून आ रहा है किसी भी काम को करने का, आगे बढ़ने का, यहाँ पर हर मतलब हर रंग से आप, मुझे ऐसा लग रहा है हर रंग से आप काम करने वाले हो, हर रंग के साथ आप यहाँ पर काम करने वाले हो, बहुत जैसे आप है ना, आपका भाग्य के चक्र घूम रहा है कि आपकी रफ्तार तो है,
लेकिन एक ऐसी जगह आप जा रहे हो जहां से आपको बहुत, जैसे कहते हैं ना कि सुनहरा सा प्रकाश, सुनहरी चीजें, हर चीज में जैसे आपको ऐसा नजर आएगा कि हाँ ये भी है, ये भी हो सकता है। जैसे कहते हैं ना आई कांट बिलीव इट, मैं इस पे विश्वास नहीं करता हूं, और वही आप विश्वास करोगे। ठीक है, तो ये आपका भाग्य का चक्र यहाँ पर घूम रहा है, जो कि आपको, जैसे कहते हैं ना कि बहुत चीजों को आपको अंदर से महसूस होंगी यहाँ पर। द लवर्स, यस, ये हालांकि कार्ड्स द लवर्स का कार्ड यहाँ पर एक बहुत सारे मीनिंग्स को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपका, क्योंकि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि पहला पहला मैसेज मुझे यहाँ पर इस चीज़ से ये मिल रहा है कि आपकी है ना, आप अपने आप से कनेक्ट हो रही हो यहाँ पर, अपनी ऊर्जा के साथ। जैसे कहते हैं ना कि अभी तक आप शायद अपने आप को भूले हुए थे। ओके, जैसे कहते हैं ना कि आप जैसे कहते हैं ना किसी चीज को, जैसे साथ आपने अपने आप को रोक रखा था, जैसे कुछ अच्छा है तो आप जा नहीं पाते थे, या देख नहीं पाते थे, या कर नहीं पाते थे यहाँ पर। चाहे आपका वो आपका प्रेम ही क्यों ना हो, या आपकी खुशी ही क्यों ना हो, यहाँ पर मैं जैसे कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ठीक है, बहुत जैसे कहते हैं ना कि दिल की बातों को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जहाँ पर मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि जहाँ किसी चीज़ को जाना है वो वहां ना पहुंच कर कहीं और पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कहते हैं ना कि एक एक यहाँ पर ये दो पिक्चर्स मुझे यहाँ पर ये बता रही कि खुद शायद आप अपने आप से रूबरू हो रहे हो। ठीक है, यहाँ पर किसी का यहाँ पर सोलमेट आ रहा है, ट्विन फ्लेम आ रहा है यहाँ पर, कोई पर्सन ऐसा आपकी लाइफ में है या आ चुका है जिसे, मतलब जिसको पाकर आप ऐसा महसूस करोगे कि हाँ ये कुछ मिसिंग था आपके अंदर, लेकिन इसके आने से बहुत कुछ चीजें चेंज हो रही है, और मतलब बदल रहा है आपके अंदर। एक खुशी को महसूस करोगे आप, जैसे हार्ट टू हार्ट किसी के लिए अपना, जैसे कहते हैं ना कि सोल फैमिली से वो कनेक्ट हो रहा है, आपका भाग्य के चक्र घूम रहा है यहाँ पर, तो आपकी ही जैसी सोल से आप यहाँ पर कनेक्ट करोगे आप, क्योंकि आपकी है ना एक एक लंबी जर्नी को मैं देख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि उड़ान है आपकी यहाँ पर। ठीक है, उड़ान भर रहे हो आप यहाँ पर, और आप क्या कर रहे हो, उड़ान भरते भरते आप जैसे कहते हैं ना कि अपनी खुशियों के नज़दीक जा रहे हो, भाग्य का चक्र घूम रहा है, आपका सोलमेट आपसे आप मिल रहे हो, आपकी सोल फैमिली से आप मिल रहे हो, किसी की हार्ट चक्रा, जैसे कहते हैं ना कि हार्ट चक्रा किसी का, जैसे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम ना ना करते रहते हैं, लेकिन अब क्या करोगे आप यहाँ पर, मतलब जो भी आ रहा है उसे एक्सेप्ट करोगे आप यहाँ पर। सक्सेस, यस, भाग्य का चक्र घूम रहा है आपका, पाइल नंबर वन, डेफिनेटली घूमेगा वो। क्यों? क्योंकि इतना बिलीव कर रहे हो आप अपने ऊपर, फेथ कर रहे हो आप अपने अंदर, आगे बढ़ रहे हो आप यहाँ पर। भाग्य का चक्र यहाँ पर घूम चुका है, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीजें जो मैं बोल रही थी, क्या लेकर आ रहा है वो आपकी तरफ, सक्सेस लेकर आ रहा है आपकी तरफ। जैसे कहते हैं ना कि एक स्ट्रेंथ जो आप अपने अंदर मिस कर रहे थे, जैसे भूल रहे थे शायद आप अपने आप को, तो वो भूली हुई चीजें, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग में शायद आप बहुत जल्दी भूलते भी हो, मेमोरी शायद आपकी कम हो सकती है, तो मेमोरी आपकी जैसे कहते हैं ना कि वापस आ रही है, और उसको जैसे बहुत, जैसे कहते हैं ना कि सक्सेस देखो कभी भी एक इंसान से नहीं आती है, और एक चीज से कभी नहीं आती है, सक्सेस हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि उस सक्सेस के पीछे बहुत चीजों का हाथ होता है, बहुत सारी चीजों का हाथ होता है यहाँ पर। किसी की सक्सेस के पीछे, जैसे आप सक्सेस आपको मिली, लेकिन कभी सोचा है कि ये सक्सेस आपको मिलेगी तो इसके पीछे क्या क्या रीजन है, और वो किस वजह से मिल रही है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि कुदरत आपको यहाँ पर खुश देखना चाहता है, आपके सोलमेट, जैसे कहते हैं ना कि आप शायद अपने अपने जैसे लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, और वही वही लोगों की ऊर्जा से आप हील हो रहे हो, और वही से जैसे कहते हैं ना कि
वही आपको आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। बहुत सारी चीजों को आप अपनी लाइफ में चेंज होता हुआ देखोगे, सक्सेस हो रहे हो आप यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि बहुत चीजों को, जैसे एक कहते हैं ना कि खुशी मनाने का वक्त आ रहा है यहाँ पर, एक स्ट्रेंथ आ रही है आपकी, हैप्पीनेस आ रही है आप यहाँ पर। एक जैसे बहुत चीजों को आप ऐसा महसूस करोगे, आपके आप हर चीज को जैसे अपने अंदर, एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब तक हम अपने ऊपर बिलीव नहीं करेंगे तब तक वो चीजें हम किसी भी ना समय को, सबसे पहले हमें अपने अंदर ही चेंज करने होते हैं। ठीक है, ये पहले आप शायद एक्सक्यूज बहुत देते थे, ये ऐसा होता तो मैं भी शायद ऐसा कर लेता, लेकिन यहां पर अब एक्सक्यूज नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके अंदर वो मैच्योरिटी लेवल, वो ज्ञान इतना आ चुका है कि हर चीज को आप, जैसे कहते हैं ना कि आपको पता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, और उसी चीज के ऊपर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, और वो मिल रही है आपको, सक्सेस मिल रही है यहाँ पर। आप पता है किसके ऊपर विराजमान हो? आप अपनी खुद के बिलीव सिस्टम के ऊपर विराजमान हो। खुद के ऊपर विश्वास जब हम कर लेते हैं ना, तो वही वही हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। हाँ, झूलना खूब झूले हो आप यार, लेकिन यहाँ पर जब कहते हैं ना कि हम एक बहुत चीजों को, जैसे एक जैसे कहते हैं ना कि जब हम बिलीव कर लेते, एक साथ आप पहले किसी के ऊपर बिलीव नहीं कर पाते थे, फेथ नहीं कर पाते थे कि क्या मुझे इसका साथ मिलेगा, या मुझे इसका साथ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्या मुझे ये, मतलब एक कहते हैं ना कि आधे रास्ते में तो नहीं छोड़ देगा, लेकिन नहीं, आपको जैसे किसी का, आपके आपकी लाइफ में जो भी सोलमेट आ रहा है या आ चुका है, उसको जैसे कहते हैं ना कि उसने आपको बिलीव करना सिखाया, फेथ करना सिखाया है कि हाँ आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बिलीव करो, फेथ करो, आप जो चाहो वो कर सकते हो यहाँ पर। आपका भाग्य का चक्र आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है, सक्सेस लेकर आ रहा है। और बहुत, जैसे कहते हैं ना कि आप, सबसे बड़ी बात यहाँ कि आप है ना, एक एक जैसे कहते हैं ना कि आप चीज़ों को, जैसे अगर आपकी स्थिति कुछ भी बनती है, कैसी भी बनती है, तो उसके ऊपर आप बिलीव भी करोगे और वहां से निकल भी जाओगे आप। ठीक है, यहाँ पर टेरो से लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, एट ऑफ वैंड्स, भाग्य का चक्र घूम रहा है, क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, ब्लेसिंग्स, जैसे कहते हैं ना अवसर, मौके, न्यू बिगनिंग। जैसे यूनिवर्स तो आपको, ईश्वर तो आपको, जैसे कहते हैं ना कि एक मतलब एक साथ बहुत चीज़ों को जैसे आप महसूस करोगे आप अपने अंदर, अपने भीतर भी और बाहर भी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि एक अपॉर्चुनिटीज आ रही है, फिर दूसरी आ रही है, एक साथ पता नहीं बहुत सारी आ रही है आपकी तरफ यहाँ पर। ये जो आप, मैं एक बात बताऊं, पहले नंबर वन, ये जो भाग्य का चक्र आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ये ट्रैवलिंग लेकर आ रहा है आपके लिए, कि ये आप, जैसे कहते हैं ना कि आपका अंदर का तूफान शांत हो चुका है, अब अंदर से जैसे ट्रैवलिंग करोगे आप। ट्रैवलिंग मतलब ये नहीं, ध्यान। ठीक है, ध्यान, वो ध्यान आपको पता नहीं कहाँ 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 लेकर जा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत ट्रैवलिंग आप करने वाले हो, भीतर भी अंदर भी, चीज़ों को बहुत आपकी तरफ, ऐसे ऐसे मैसेज आप रिसीव करोगे जो पहले आप रिसीव नहीं कर पा रहे थे, वो मैसेज को भी आप रिसीव करोगे। भाग्य का चक्र आपके लिए बहुत कुछ, जैसे कहते हैं ना कि जब चीज़ें घूमने पर आती हैं ना, तो अब जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर देता है तो एक साथ देता है। ठीक है, ये जो बहुत स्पीड है, बहुत रफ्तार से आपकी तरफ यहाँ पर कुछ आ रहा है। ठीक है,
भाग्य का चक्र आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, जिस चीज के भी बारे में आप जैसे कहते हैं ना कि दिल में भी कुछ बातें आपके अंदर थी, मन में भी आपके बातें कुछ थी, जैसे बैलेंस नहीं कर पा रहे थे आप अपना दिल दिमाग में, दिल की करूँ कि दिमाग से काम लूँ, एक जैसे कहते हैं ना एक संतुलित अपने आप को बिठा पाना, है ना, तो ये एक सुकून जैसे महसूस करना, तो आपका भाग्य का चक्र यहाँ पर घूम रहा है कि जिस चीज़ को भी आप, जो भी परेशानी आपकी थी, दिक्कत थी या जो भी दुविधा थी आपके अंदर यहाँ पर, वो सब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना उसका समाधान आपको मिल रहा है यहाँ पर, जो भी आपकी परेशानी थी उसका जैसे कहते उसका सॉल्यूशन आपको इस कदर मिल रहा है कि आप बहुत बेहतर तरीके से आप अपने उसके ऊपर काम करोगे, किसी की हेल्थ में या फाइनेंशियली या बहुत चीज़ें जैसे ऐसी हो जाती हैं हमारे साथ जो हमारे जैसे कहते हैं ना दिमाग में चलती रहती है, तो अब यहाँ पर भाग्य का चक्र घूम रहा है, जो भी आपकी परेशानी चल रही है आपके साथ यहाँ पर उसका बहुत जल्दी आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, क्योंकि आप बहुत पीस में हो और बहुत जैसे कहते हैं ना अपने अंदर एकांत को एक शांत कर लिया है आपने अपने आप को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अभी तक मैं एक बात बताऊं, भाग्य का चक्र क्या लेकर आ रहा है, जो भी मैं बोल रही थी ना ये सब रुका हुआ था आपका, जैसे आपके अंदर में एक, क्योंकि आप है ना इतना मतलब आप चीजों को आपका नजरिया ही दूसरा हो रहा था, किसी और नजरिए से आप अपने बारे में अपने आप को देखते थे, ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना थिंकिंग, अपने लिए विचार, अपने लिए विचार भी आपके अंदर शायद ऐसे नहीं आते थे कि जो आपको जैसे आपको मोटिवेट करें, आपको आगे की तरफ लेकर जाएं, आपके विचार भी शायद आपके साथ नहीं थे, वो भी आपके साथ खेल खेल रहे थे, इसी की वजह से जैसे बहुत सारे कामों पर आप अपना कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते थे, तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि जो भी रुका हुआ है आपका फाइनेंशियली, बहुत कुछ चीज़ें आपकी रुकी हुई थी हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली ब्लॉकेज बहुत थे आपके अंदर, तो वही उसी को जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर सबसे बड़ी बात भाग्य का चक्र आपके आपके अंदर इतनी पावर ला रहा है कि अब उतनी ही रफ्तार है आपकी, उतनी ही स्पीड है आपकी, यहाँ पर देखो हॉर्स रुका हुआ है और यहाँ पर आप टाइगर के ऊपर बैठे हुए हो, सेलिब्रेशन। भाग्य का चक्र अभी तक आपका जो भी काम जैसे कहते हैं ना रुक गए थे आपके, बन नहीं रहे थे, बस आप बस जैसे कहते हैं ना कि प्लानिंग ही करते रह जाते हो, प्लानिंग ही करते रहे, सोचते ही रहते हो, लेकिन यहाँ पर आप जैसे कहते हैं ना कि अब आप उसको सोच नहीं रहे हो, उस पर जैसे एक्शन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और उसमें आपको सक्सेस भी मिल रही है और बहुत अच्छे लेवल पर आप उसमें आप अपने आप को प्रूफ भी कर पा रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पर भाग्य का चक्र आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, पहले आप अपने आप को बहुत जैसे कहते हैं ना अपने अपनी चीजों को एक अपने तक ही रखना, और जैसे कहते हैं ना कि हम जब अपने सेल्फ लव करते हैं, हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तभी हम अपनी खुशियों को अपनी खुशियों की तरफ हम तभी बढ़ते, ठीक है। डिवाइन सर्विसिंग, यस, भाग्य का चक्र घूम रहा है आपका, आपके लिए देखो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि जो मैं यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में आपको बता रही थी ना कि आप कौन हो, आप बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो, ठीक है, जो भी जिस चीज़ के लिए भी आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है, आप मुझे ऐसा लग रहा है ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, यूनिवर्स के लिए कुछ जैसे जैसे वो चुनता है ना, तो किसी चीज़ के लिए आपको डेफिनेटली चुना गया है, ओके, जैसे ये डॉगी है, ये बहुत ऑनेस्ट पर्सन होता है, इसको किस लिए रखा जाता है, ये एनिमल स्पिरिट्स किस लिए होते हैं, ये
ये हमारी केयर करते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं, ठीक है। तो आप जैसे कहते हैं ना, इनके अंदर से भी एक ऐसी बहुत बहुत पॉजिटिविटी को फील करते हैं। तो बस आप भी कहीं ना कहीं भाग्य का चक्र आपके लिए ऐसी ही, जैसे कहते हैं ना, आप ऐसी सर्विस के लिए बनाए गए हो, ठीक है, कि डिवाइन के लिए काम करो आप, क्योंकि आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा है, बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो आप यहाँ पर, ताकि आप अपना बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर दे पाओ। जैसे वफादारी आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना कि अंदर है, आपके लिए यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अभी तक आप क्या दे पाए हो, आप अपना कितना शत प्रतिशत कितना दे पाए हो आप किसी को, जो है आपके अंदर, ठीक है। थोड़ा सोचना, उस विचार करना इस बारे में, ठीक है। लिसन अप, यहाँ पर देखो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको बहुत, जैसे कहते हैं ना कि आपको एक ऐसा ये आप इर्द गिर्द ये जब बर्ड है ना, ये पिजन है, ये बहुत चीज़ों को आपको, जैसे कहते हैं ना कि समझाया इन्होंने, और बहुत गहराई से आपको समझाया यहाँ पर, और जो चीज़ें आपकी आपकी तरफ से जानी थी, रिलीज होनी थी, ठीक है, वो एक, वो कब हुई, वो एक सफरिंग दौर पर ही हुई आपके लिए, ठीक है। तो जो भी हो रहा था आपके साथ यहाँ पर, उसके ऊपर आपको विश्वास करना है कि जो हुआ है आपके लिए अच्छे के लिए यहाँ पर हुआ है, ये आपका सोल का एक पार्ट था, ठीक है। और बाहरी दुनिया में आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा उसके ऊपर भी आपको सोच विचार करने की जरूरत है। आप बहुत चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना कि बाहर भी और भीतर भी, बहुत गहराई से किसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर काम करने वाले हो, हर चीज़ की, जैसे कहते हैं ना कि एक ये प्योरिटी है आपकी, आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ ऐसा होगा जिसे आपके लिए बोला जा रहा है सुनने की आपको ज़रूरत है यहाँ पर, आपको बहुत डीपली तरीके से आपको समझाने के लिए किया जाएगा। मैं यहाँ पर चक्रास से लेती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। डिस्कवरी, भाग्य का चक्र घूम रहा है आपका, क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, बहुत बहुत चीजों को आप, जैसे कहते हैं ना कि क्या लेकर आया, सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपकी तरफ आ रहा है ना, उसे आप बहुत गहराई से आप सुनने वाले हो, समझने वाले हो, और कुछ नया आप करने वाले हो यहाँ पर। ये जो जो चीज़ें हमारी डेस्टिनी में लिखी हुई रहती है ना, भाग्य में लिखी हुई रहती हैं, उसको पाने के लिए, जैसे कुछ बड़ा करना होता है तो उसके लिए बड़ी मशक्क़त हमें करनी पड़ती है, हमें अपने ऊपर बिलीव करना होता है, हमें जैसे किसी चक्रव्यूह से हमें निकलना पड़ता है, कुछ बेहतर करना होता है हमें यहाँ पर, ठीक है। और उसके लिए जैसे आपको एंजल्स ब्लास्ट कर रहे हैं, आपको करेज दे रहे हैं, आपको हिम्मत दे रहे हैं कि बच्चे जैसे कुछ, जैसे कहते हैं ना कि कुछ न्यू काम के जब शुरू करते हैं हम, नई किसी जर्नी पर हम निकलते हैं, तो किसी बड़ों का आशीर्वाद निकल निकलते हैं, ऐसे एंजल्स भी आपको यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। आप डेफिनेटली आप कुछ नया करोगे और बहुत बेहतर करने वाले हो, क्योंकि डिवाइन सर्विसिंग का कार्ड है यहाँ पर। आपको यूनिवर्स, एंजल्स, आपके बर्ड स्पिरिट्स, एनिमल स्पिरिट्स आपको बहुत बहुत गाइड करने वाले हैं, बहुत मैसेजेस आपको मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि नया कुछ है आपके लिए, जैसे नया किसी खोज के लिए आप किसी यात्रा पर आप निकल रहे हो। हर चीज को जैसे आपने अंदर की नेगेटिविटी अपनी, जैसे कहते हैं ना, मुझे आपके अंदर चंचलता भी बहुत नजर आ रही है,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर चंचलता बहुत थी, तो उसकी वजह से आप शायद अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर अब आप मतलब कहते हैं ना कि एक जगह कुदरत आपको एक जगह शांत तरीके से आपको बिठाएगा, आपको बताएगा, आपको समझाएगा। ठीक है, कुछ ना करने का आपको एक गिल्ट था, गम था यहाँ पर, जैसे कोई रोकता था आपको आगे बढ़ने से, रुके हुए से आप महसूस करते थे। तो बस यहाँ पर आपका जो भाग्य का चक्र है ना, अब आपसे आप जो वही लेकर आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो भी कुछ काम करते थे ना बेमन से करते थे, या काम में मन ही नहीं लगता होगा आपका। जैसे कहते हैं ना कि करना कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं यहाँ पर, तो उसको भी आप महसूस करोगे। आप वही करोगे आप जहाँ पर आपका मन लग रहा है, जहाँ पर आपका दिल लग रहा है, जहाँ पर आपका दिमाग लग रहा है, और वो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि कुछ नया आप करोगे। भाग्य का चक्र आपको जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे जैसे कुछ आपके आपके रास्ते खोल रहा है यहाँ पर। एक जैसे कहते हैं ना कि ये लेडी देखो कहाँ पर कैसे काम कर रही है यहाँ पर, ये यहाँ इस काम के लिए नहीं बनाई गई है। आपको पता है पायल नंबर वन आपका एक लाइफ पर्पस है, आप किस काम के लिए बनाए गए हो। डिवाइन ने डेफिनेटली आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है, बेहतर करना है आपको। आपको जैसे कहते हैं ना कि कुछ कुछ जैसे कुछ है आपके लिए निर्धारित किया गया है, तभी आपको जैसे इस ऊर्जा से आपको निकाला जा रहा है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि वो कुदरत भी धीरे धीरे हमारे अंदर चीज़ों को डालता है जो डेस्टिनी में भाग्य में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, वो डालता है कि ताकि आप जिस काम में भी आप कर रहे हो वहां से आपका दिल हटे, आपका दिमाग हटे, और आपको कुदरत धीरे 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 उसी उसी रास्ते पर आपको लेकर जाए जिसके लिए आप बनाए गए हो। ठीक है, और वही आप करोगे। आपका भाग्य का चक्र आपको जैसे कुछ आपके आपकी किस्मत में कुछ नया लिखा हुआ है, और ये जर्नी है आपकी, और बहुत लंबी जर्नी है। ठीक है, और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, डिस्कवरी, नया कुछ, जैसे कुछ आपको नया करना है अपने जीवन में, अपने अंदर भी, और अंदर को अंदर तो महसूस करोगे उस नएपन को, आप बाहर भी कुछ नया जैसे करना है आपको, तो वो करोगे आप यहाँ पर। ये आपका भाग्य का चक्र आपको लेकर आ रहा है। ओके पायल नंबर वन, तो पायल नंबर वन ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर टू, तो जिसने भी ये द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, और पाइल नंबर टू प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, द वर्ल्ड आपका भाग्य का चक्र घूम रहा है और आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मैं सच बताऊँ ना, पायल नंबर टू आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि आप एक जैसे कहते हैं ना कि आप एक तो सबसे बड़ी बात आपकी पायल नंबर टू कि आप है ना, आपको सिर्फ किसी भी कीमत पे, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ आपके कुछ गोल हैं, आपको कुछ बड़ा अचीव यहाँ पर करना है। ठीक है, और उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि आप है ना, आप उसके लिए जैसे कहते हैं दिन रात एक करना, मेहनत करना, और उस जैसे कहते हैं ना कि उस रास्ते की तरफ चलना, उस मंजिल की तरफ चलना। यहाँ तक कि पायल नंबर टू में आपके लिए यहाँ पर ये बोलूँ कि आपको पता कुछ नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको कुछ बहुत बड़ा करना है और बहुत कुछ अचीव यहाँ पर करना है, और उसके लिए आप जैसे कहते हैं ना कि बस निकल चुके हो आप।
निकल पड़े हो आप यहाँ पर, और बहुत चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे जैसे कहते हैं ना कि जो हमें एक हमारे इस रास्ते में एक खंबे की तरह खड़े रहते हैं ना, एक पिल्लर जिसे कहते हैं ना कि मजबूत पिल्लर बन के हमारे सामने खड़े रहते, जिसे हमें जिसे गिराने के लिए, जिसे हटाने के लिए हमें जैसे कहते हैं ना कि इतना इतनी इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, इतने मतलब जैसे कहते हैं ना कि दिल पर पत्थर रखना और उसको हटाना, ठीक है कि हट जाओ मुझे आगे की तरफ जाना है। अब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपके कुछ इमोशंस, आपकी जो भावनाएं हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि जैसे अटैचमेंट हो जाता है हमारा किसी के साथ, और कोई कह देता है कि आपको ये चाहिए कि आपको ये चाहिए, क्या लेना है आपको, डिसीजन लो, आपको आपकी जैसे कहते हैं ना आपके आपके गोल चाहिए, क्या कुछ बड़ा करना अपनी लाइफ में, कि आप अपनी इस निजी दुनिया में आप खुश रहना चाहते हो, या इसी में जैसे इसी में रहना है और इसी में यहाँ इसे थोड़ा सा पूरा करके यहीं से चले जाना है ईश्वर के पास, कि बस यही गोल गोल घूमना है, डिसीजन लो। तो बस आपने पाइल नंबर 2 डिसीजन लिया है और आप आगे की तरफ बढ़े हो। आपको पता अभी भी कुछ नहीं है पाइल नंबर 2, क्योंकि यूनिवर्स जब कहते हैं ना कि जब हमारे हम कुछ डिसीजन ले लेते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता है, वो यूनिवर्स डिसाइड करता है। जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा आगे चलोगे, जैसे धुंधकार होता है, फोग होता है, कोहरा होता है, तो हम जैसे कैसे चलते हैं आगे की तरफ, चलते चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है बस वहीं तक ही ये मंजिल, उसके आगे कुछ नहीं है। उस कोहरे को बस उसको कोहरे को उस कोहरे से निकल जाना है, ठीक है। तो आपको उसका भी डर नहीं है, आप बस चल रहे हो आप आगे, और वो यूनिवर्स आपका भाग्य का चक्र घूम रहा है और आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो कहते हैं ना कि बहुत बहुत कुछ आपसे हिडन था, जो छुपा रखा है यूनिवर्स ने, वो आपके आपके सामने आ रहा है, वो आपकी तरफ आ रहा है, भाग्य आपका लेकर आ रहा है, पाइल नंबर 2, ठीक है। मैं कार्ड से देखती हूँ आपके लिए, पाइल नंबर 2 आपका भाग्य का चक्र आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ओके आइसोलेशन, पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2 आइसोलेशन। जैसे कहते हैं ना कि आपने तो अपने आप को कहीं ना कहीं इतना, हालांकि ये कार्ड्स, ये जैसे सोल बहुत रो रही है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को, तो जो मैं अब फील कर रही हूँ आपके लिए, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो चुके हो आप, तो बहुत बहुत इतने स्ट्रांग, इतने मजबूत। और ये जैसे कहते हैं ना कि ऐसे नहीं हुए हो आपके, जैसे कि अंदर से जैसे बहुत, जैसे किसी चीज़ को जब हमारी जो कोई बहुत जिससे हमारा अटैचमेंट लगा रहता है, जिसे हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हाँ ये चीज़ें मुझसे अलग होगी या हो जाएंगी, तो मैं इसके बिना कैसे रह सकता हूँ, या मैं इसके बिना मैं नहीं रह सकता, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, हाँ। तो बस जैसे कहते हैं ना कि उसको, उसका एक डिसीजन आपने लिया है, और कहीं ना कहीं मैं सच बताऊँ ना, आपने अपनी जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसे चीज़ों को जैसे अलग ही तरह से आपने महसूस करा है, आपने अपनी लाइफ में अलग ही नज़रिए से आपने अपने आप को देखना शुरू कर दिया है यहाँ पर। अब जैसे पहले आप बहुत मुंह छुपाकर रोते थे, या बहुत रोते थे आप अपनी स्थिति के बारे में, या समय के बारे में, या जो चीज़ें आपकी लाइफ से चली गई हैं, ठीक है, उसके बारे में आप बहुत उदास, नर्वस, लेकिन यहाँ पर अब नहीं, क्योंकि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अब एक, जैसे कहते हैं ना कि एक अंदर से किसी चीज़ को, अपने किसी चीज़ का हम जब कहते हैं ना कि उसको साइड करना,
और कहीं ना कहीं हमारे लिए, जैसे कहते हैं ना कि दो रास्ते हमारे लिए होते, किसके लिए रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? अगर ये ऐसे ही रहोगे तो अपनी अपनी जिंदगी को कैसे शुरू करोगे? आपका भाग्य का चक्र यहीं पे यही घूम रहा है कि आप है ना इस रोती हुई रोतली हुई दुनिया को छोड़कर और आप अपनी खुशियों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो यहाँ पर। टू कार्ड्स आए हैं, ओके, हलोनलेस माय गॉड एक्सपीरियंस। आपका भाग्य का चक्र घूम रहा है यहाँ पर, देख रहे हो आप? ये सोल भी आगे की तरफ जा रही है और ये सोल भी आगे की तरफ जा रही है यहाँ पर। ये जो एक भाग्य का चक्र आपका घूम ये रहा है कि जिस जो भी आपकी, जैसे कहते हैं ना कि समय, ठीक है, समय ने आपको ऐसी परिस्थिति में डाला, ऐसे समय में डाला कि जहाँ पर आप अकेले रहे, एक्सपीरियंस करा, डिसीजन लिए अपने, जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, हमें जिंदगी, जैसे कहते हैं ना कि एक ईश्वर ने पूछा आपसे, मानो मत मानो, आप पूछ के ही सारे काम हुए हैं आपसे। पायल नंबर टू, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, इस बात को भी मैं बता दूं आपको, या आपको ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ आपकी जो सोल है ना उसे बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, उसे तो सब कुछ पता है, हकीकत उसे पता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि क्या करना है, डिसीजन आपका था कि मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे इस ऊर्जा में नहीं रहना है, या ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीनी है। बहुत कुछ उस वक्त आपको बहुत फील कराया, महसूस कराया, बहुत एक्सपीरियंस आपने किए हैं, अकेलापन बहुत देखा है, अकेलेपन से आपने अपनी, जैसे कहते हैं ना, अपने हर चीज को महसूस करा है। काफी आपको जैसे हर चीज का, जैसे अब आप इतना बड़ा आपने डिसीजन लिया है तो सोचो, वो ऐसे ही नहीं ले सकते आप, कितना अपने आप को, मतलब एक कहते हैं ना कि सीढ़ी दर सीढ़ी आपने अपने आप को चढ़ाया है। एक सीढ़ी भी किसी से हम दूर होते हैं जब परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं हमारी कि जब एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो फिर हम पीछे की तरफ देखते हैं, हाँ, फिर दूसरी चढ़ते हैं, फिर पीछे की तरफ देखते हैं। लेकिन सोचो आपने जैसे जैसे एक एक स्टेप लिया है तो सोचो कितना अपने आप को मजबूत भी बनाया है और कितना आपके ऊपर, मतलब कितना इकट्ठा किया है आपने अपने आप को, हाँ, क्योंकि आप है ना अकेले अकेले, भाग्य का चक्र आपका घूम रहा है, क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, क्योंकि आप अकेले ही, आपको जो आपने डिसीजन लिया है ना वो अकेले नहीं लिया है आपने, और अकेले की ही जर्नी है यहाँ पर। कोई साथ नहीं है आपके, बिल्कुल बिल्कुल अकेले हो आप यहाँ पर, लेकिन आपका भाग्य का चक्र यहाँ पर क्या लेकर आ रहा है आपको? बहुत एक, जैसे कहते हैं ना कि एक हर चीज को, जैसे आप बस यही चाहते हो कि आपको अपनी अपनी जिंदगी के बारे में फैसले का लेने का निर्णय आपका खुद का होना चाहिए। पहले शायद आपकी जिंदगी में बड़े ऐसे ऐसी सोच भी दाखिल हो जाती थी, आप अपने डिसीजन नहीं ले पाते, आपकी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में थी, आप जिसे कहते हैं ना कि सब कुछ होते हुए भी समझ में नहीं आता है, निर्णय कोई और लेता है आपके बारे में, डिसीजन कोई और लेता है आपके बारे में, तो अब नहीं, अब नहीं, अब तो मतलब आपका भाग्य का चक्र आपको घूम रहा है और क्या लेकर आ रहा है। अब बस आप जैसे इतने इतने आपके अंदर इतना अनुभव, इतना आपने, जैसे कहते हैं ना, अपने अंदर तक को आपने महसूस कर चुके हो, स्थितियों ने आपको इतना महान बना दिया है और इतना आपको काबिल बना दिया है, इतना मजबूत बना दिया है कि अब आप किसी दूसरे के ऊपर नहीं हो, ना किसी दूसरों के लिए रो रहे हो, ना किसी दूसरे का वेट कर रहे हो। जो अकेला है ना वो
वही अपने आप से जुड़ा है और वही जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ा है। इसको पॉजिटिव लेने के सोचने की जरूरत है बस, ठीक है? नेगेटिव नहीं लेना है आपको सफरेशन। यस, ये बहुत जैसे कहते हैं ना कि भाग्य का चक्र घूम रहा है आपके लिए, क्या लेकर आ रहा है आपको, ये जकड़े पड़े हो चीजों से, तभी तो आप आगे की तरफ बढ़ चुके हो। क्योंकि ऐसी ऐसी लाइफ किसको चाहिए भाई? किसी को नहीं चाहिए ऐसी लाइफ तो, किसी कोई भी नहीं लेना पसंद करेगा। जो जैसे कहते हैं ना कि इसको देख रहे हो आप, लेकिन हाँ ये आपका ये पेन इस हद तक बढ़ चुका था आपका कि आपने जैसे कहते हैं ना कि अब तो डिसीजन लेना पड़ेगा, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो बस आपका भाग्य का चक्र जैसे कहते हैं ना कि आपकी सारी जो आपको कमजोर बना रही थी, जो आपको दुखी कर रही थी, जो आपको परेशान कर रही थी, नर्वस कर रही थी, कमजोर बना रही थी, उसको सबको छोड़कर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। एडवेंचर, क्योंकि यहां पर देखो आप है ना पाइल नंबर टू, आप है ना जैसे यहां पर मुझे बहुत आपकी ऊर्जा एक ऐसी लग रही है ना कि आपको पहले शायद अकेलेपन से बड़ा डर लगता था कि मैं अकेले कैसे रहूंगा, मैं अकेले अपनी अपने निर्णय नहीं ले सकता, मैं अकेले आगे बढ़ ही नहीं सकता। आपको बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती होगी हर चीज़ में, जैसे आप दूसरों की हेल्प लेना, ठीक है? अकेले रहने से आप शायद डरते थे, लेकिन भाग्य का चक्र आपका घूम रहा है पाइल नंबर टू, क्या लेकर आ रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप है ना अब सबके बीच में, एक बात बताऊँ, भीड़ में कुछ नहीं कर रहे हो आप, जो कुछ कर रहे हो ना आप अकेले में, जिससे सबसे ज़्यादा आप डरते थे, जिसके लिए दुखी होते थे, परेशान होते थे, वो अकेलापन, वही आप उस अकेलेपन, वही आपको आज अच्छा लगेगा। वही अकेलापन में आप जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करोगे, वही अकेलापन वो आपका भाग्य का चक्र घूम रहा है, वही अकेलापन आपको आपकी ज़िंदगी के रास्ते खोल रहा है, वो आगे की तरफ लेकर जा रहा है। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इतने काबिल हो, खुद ही इतने इतने जैसे कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी के, जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी आपको वो, मैं एक बात बताऊं, पाइल नंबर टू अच्छा हुआ, वो भीड़ से आप हट गए, ठीक है? हटा दिए गए वो, और हटे हो आप, नहीं तो आपकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती। जब आप हटे हो ना, रोए बेशक हो, परेशान बेशक हो, लेकिन आज सोच सकते हो आप कितना कुछ अचीव कर लोगे, आप अपने सपनों को अचीव करोगे, यहाँ पर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, यहाँ पर अपने निर्णय, अपने डिसीजन, अपनी खुशियां, सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि आप आपकी आपके सामने है यहाँ पर। आप जिंदगी की जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा फिर से कैसे जिंदगी की नई शुरुआत करता है। ओके, मैं यहाँ पर टेरों से देखती हूँ आपके लिए। इसे ना बहुत चीजों को आपने जकड़ रखा था, या आप खुद ही नहीं निकलना चाहते थे वहां से, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि आपका दम घुटने लगा वहां पर, लेकिन आपका भाग्य का चक्र घूम रहा है, क्या लेकर आ रहा है वो जैसे कहते हैं ना कि आप ऐसा कि अब मेरे को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, एक बार जो सोच लिया कमिटमेंट दे दी। ओके, सेलिब्रेशन। यस, आपका भाग्य का चक्र आपके लिए क्या ले रहा है, क्या लेकर आ रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप है ना सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है, खुशियां लेकर आ रहा है, और पता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद कुछ टाइम पे या जैसे भी हो पास्ट में भी आप शायद अपने आप को भूल चुके थे,
आप दूसरों के लिए इतना, शायद आपकी खुशियां दूसरों से जुड़ी हुई थी, आपकी खुशियां आपसे नहीं थी, लेकिन अब आप जैसे कहते हैं ना अपने खुद के साथ इंजॉय कर रहे हो, यहाँ पर सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, यहाँ पर आप अपने खुद के लिए सेलिब्रेट कर रहे हो यहाँ पर। हाँ, जैसे मुझे यहाँ पर इस कार्ड से ऐसा फील हो रहा है कि आप जैसे है ना अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि एकांत में गए हो और फिर वापस वापस आए हो, और जैसे कहते हैं ना कि भीड़ में आकर खड़े हुए हो, और एक जैसे कहते हैं ना कि एक नए नए जोश के साथ, ठीक है, एक नई ऊर्जा के साथ, एक अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि एक उस कॉन्फिडेंस के साथ जो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भीड़ में आने से भी डरते थे आप शायद, या किसी का जैसे कहते हैं ना कि हम सबके सामने आते हैं, हम अपनी चीज़ों को खुलकर बताते हैं, वो नहीं हो पाता था शायद आपसे, लेकिन यहाँ पर आप करोगे, आपका भाग्य के चक्र यहाँ पर घूम रहा है। आप जैसे कहते हैं ना, आप भी बढ़ चढ़कर हर चीज़ में हिस्सा ले रहे हो, आप टीम वर्क कर रहे हो, दूसरों के साथ आप काम कर रहे हो यहाँ पर। आप जैसे आप भी अपना अपने आप को तबस्सुम दे रहे हो, अपनी खुशियों को, अपनी क्रिएटिविटी को, ठीक है, वो एक आत्मविश्वास जाग रहा है आपके अंदर। नाइट ऑफ कप्स, यस, जैसे अब ये ना भाग्य का चक्र घूम रहा आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप है ना अब हर चीज को बहुत अलग अंदाज से आप यहाँ पर देखोगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को उस नजरिए से देखोगे, उस सोच के साथ आप देखोगे जो आपको खुद को बेहतर कर रही है यहाँ पर। और आप वो जैसे कहते हैं ना कि कुछ काम हम अपनी जिंदगी में ऐसे करते हैं जिसकी वजह से हम बहुत, हमें एप्रिसिएशन मिल जाता है, हमें शाबाशी मिलती है, ठीक है, और कुछ किसी चीज़ के लिए नवाजा जाता है, तो ये वही है कि आप है ना अपने आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो, किससे आपकी खुशी मिल रही है ना, तो आप वही करोगे आप अपनी लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा कुछ तो डेफिनेटली आपको अचीव करना है यहाँ पर। रोए हो किसी चीज के लिए, लेकिन अब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, जितना रोए हो उतना हंसोगे और खुश रहोगे, सेलिब्रेट करोगे यहाँ पर। किंग, जैसे कहते हैं ना कि किंग हो आप यहाँ पर, अपने मन के राजा, हर चीज जैसे आपके हाथों में है यहाँ पर। हो जजमेंट, यस, भाग्य का चक्र घूम रहा है, वो क्या लेकर आ रहा है आपको, जजमेंट, न्याय, न्याय लेकर आ रहा है आपके लिए भाई। आप है ना बहुत बहुत चीजों को जैसे बहुत गहराई से आप समझने वाले हो। एस ऑफ वैंड्स, मैंने वो कार्ड कवर किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड, जो भी आप मतलब जब इतनी परेशानी में थे आप यहाँ पर, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला आपको कि आपने कुदरत से मांगी है खुद अपनी ये जर्नी, ठीक है, ये डिसीजन आपका था कि मुझे अपनी ज़िंदगी के निर्णय अब खुद लेने हैं, मुझे किसी के भरोसे नहीं बैठना है। एंजल से आपने दुहार लगाई थी, बहुत प्रेयर की थी, प्रार्थना की थी, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एक समर्पण की ऊर्जा में आप गए थे यहाँ पर, तो वो आपकी सुनी है। एस ऑफ वैंड्स, और आपको जैसे कहते हैं ना उस चीज से आपको एंजल्स ने उसको, ईश्वर ने उसको, परमात्मा ने उसको जैसे कहते हैं ना कि उस वो खुशी आपको दी है, वो रास्ता वो दिया है, वो मौके और वो अवसर आपकी लाइफ में आ रहे हैं यहाँ पर, ताकि आप आगे की तरफ बढ़ो, ठीक है।
टू कास्ट, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यस। क्योंकि आपका पता है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप अपनी जिंदगी को ऐसे ही नहीं गुजारना चाहते हो। आप जैसे कहते हैं ना कि आपकी आपकी खुशी कहाँ पर है, क्या काम करने से आपको हीलिंग मिलती है, क्या काम करने में आपको, जैसे जैसे कहते हैं ना कि आप है ना बहुत, एक सबसे बड़ी बात ये हो कि बहुत एक सच्चाई है आपके अंदर, बहुत दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों के लिए दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों की समस्या को जानना, यहाँ पर शायद आप अपनी, आपका भाग्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपका भाग्य आपको पता है एक सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इतना लेकर आ रहा है, इतनी आपको वो कुदरत इतना आपको देगा, इतना देगा कि आप है ना जो आपका मन करता है, सच बताओ ना, आपको आपको बहुत समाज सेवा करना, धर्म कर्म करना और डोनेट करना, हेल्प करना, ये बहुत अच्छा पसंद आता है आपको, जिससे आपको खुशी मिलती है और यही चीज़ आपकी आगे की तरफ जा रही है, यही आपका भाग्य का, आपको कुदरत इतना दे रहा है कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, दूसरों को जैसे कहते हैं ना कि आप शायद है ना, आप जैसे कहते हैं ना कि किसी के लिए कुछ ऐसे अलग टाइप के कुछ जैसे ऊर्जा है आपकी यहाँ पर। आप सबको जैसे अपने जैसा ही समझ रहे हो यहाँ पर, आपकी नजरों में शायद कोई बड़ा नहीं है, कुछ छोटा नहीं है यहाँ पर, आप शायद ऐसे हो चुके हो ना कि आप सबसे सबको अपना मान रहे हो यहाँ पर, ओके। एंड मैं यहाँ पर आपका भाग्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, बहुत अबंडेंस लेकर आ रहा है, ग्रोथ लेकर आ रहा है, कैरियर में आप इतना अच्छा करोगे, इतना मतलब आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज आ रही है कि जिसकी वजह से आप इतना अर्न करोगे, इतनी आपको जैसे कुदरत आपको भर भर के दे रहा है, और आप दूसरों को जैसे कहते हैं ना कि दूसरा का कुछ करना और वही खुशी देता है आपको, और वही आप करने वाले हो, हार्ट मेडिसिन, क्या भाई बहुत रोए हो आप, क्योंकि बहुत इमोशंस हैं आपके अंदर, बहुत सच्चे हो, बहुत प्योर हो आप यहाँ पर। हाँ, आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको कोई भी ऐसी चीजें आपको सर्व नहीं करनी है ना आने देनी है आपके, जो आपके लिए सही नहीं है, और जो आपके लिए बेहतर है, जो अच्छा है, उसे ही आपको आपके पास यहाँ पर रखने की जरूरत है, और वही खुशी आपको देगी। आपका भाग्य का चक्र यही लेकर आ रहा है कि आप उन लोगों को अपने इर्द गिर्द नहीं आने दोगे जो आपको दुखी करते हैं, परेशान, आपको रुलाते हैं, ठीक है, आप वही जाओगे जिससे आपकी खुशी जुड़ी है, जिससे आपका दिल खुश होता है, आपकी तमन्ना पूरी होती है यहाँ पर, ओके। एंस्टर्स हीलिंग, यस, आपके एंस्टर्स आपके साथ हैं यहाँ पर, पाइल नंबर टू, ठीक है, वो आपको हील कर रहे हैं, ये जो आपकी इस सिचुएशन में जो आप फंसे हुए थे ना, पाइल नंबर टू, ठीक है, तो जहाँ से भी आपको पता है कि आप कैसे हो, तो वहाँ से जो हीलिंग मिली है ना, आपके एंस्टर्स ने आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग भी की है, आपका भाग्य का चक्र आपको कहाँ लेकर जा रहा है, आपके एंस्टर्स आपको जानते हैं कि आपको एक स्पेस की जरूरत थी अपने आप को फिर से उस ऊर्जा में लाने के लिए, खिलखिलाकर हंसने के लिए, ठीक है, फिर से जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, ताकि पास्ट की ऊर्जा से आप निकल जाओ, ठीक है। आपका भाग्य का चक्र आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, तो भाई बहुत, जैसे कहते हैं ना कि आपकी पूरी तरीके से आप हील हो, और इतना इतना सब कुछ आपके लिए जो कुछ हुआ है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। एप्रिसिएशन, यस,
अब आपको आपका भाग्य का चक्र आपको क्या लेकर आ रहा है? एप्रिसिएशन लेकर आ रहा है। जिस सिचुएशन से आप बाहर निकले हो ना, ये मतलब दांत है आपको, मतलब इतना इतना ऐसी सिचुएशन से अपने आप को उभारा है, निकाला है, अपने आप को हील किया है और डिसीजन लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी जिंदगी के कुछ अहम फैसले लेने हैं और उन्हें उन्हें सच भी करना है। आपका भाग्य का चक्र आपको एप्रिसिएशन लेकर आ रहा है, शाबाशी, ये सल्यूट है आपको पायल नंबर टू, कि आप है ना, आपके अंदर जज्बा बहुत है, किसी काम को करने का एक जुनून बहुत है, एक जैसे कहते हैं ना कि ओ हो, एक आपका जैसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बोलेगा। हो ऐसे, या आपका भाग्य का चक्र आपके लिए बहुत, जैसे कुछ बहुत, जैसे ये जा रहे हो ना आप, तो बस यहाँ पर आपको आपको बोला जा रहा है कि आपको जैसे भाग्य का चक्र घूम रहा है आपके लिए, बहुत परिवर्तन है, चेंज है हर चीज में, ठीक है, क्योंकि समय पलट रहा है, आप पलट रहे हो और जो आ रहा है वो नया आ रहा है, तो जो नया आ रहा है उसको जैसे कहते हैं ना कि उसके लिए हमें बहुत कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है, रणनीति बनानी पड़ती है उसके लिए, जैसे बहुत कुछ, जैसे हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपको वो रास्ता खुल चुका है, आपका वो चाबी आपको मिल रही है, आपको एंजल्स आपको बहुत, आपके एंस्टर्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, पहले भी कर रहे थे और आगे भी करेंगे आपको, एंजल ऑफ बैलेंस। अब आप पूरी तरीके से बैलेंस हो, आपका भाग्य का चक्र क्या लेकर आ रहा है, एक एक जैसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बात ये कि आप निर्णय लेके अकेले आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, एप्रिसिएशन है, एंजल ऑफ बैलेंस, पूरी तरीके से आप बैलेंस हो, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, नया करने के लिए, बेहतर करने के लिए, पाइल नंबर टू। तो पाइल नंबर टू ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।